वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोस्तों मेरी इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो दिखाने वाला हूं ये हमारा प्री एम्पलीफायर बोर्ड है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए दोस्तों लाता रहा। दोस्तों ये हमारा स्टीरियो प्री एम्पलीफायर बोर्ड है, इस पर दो ICs यूज़ किए गए हैं दोस्तों, 4558 की दो ICs हैं और ये हमारा AC वोल्टेज से रन करता है। दोस्तों यहाँ हमें 12012 की AC वोल्टेज देनी है, यहाँ से हमें ऑडियो इनपुट देनी है आप ब्लूटूथ कार्ड से या फिर डायरेक्ट आप RCA सॉकेट से भी आप इसे ऑडियो इन दे सकते हैं। यहाँ से आपको ऑडियो इनपुट देनी है और यहाँ से हम ऑडियो आउटपुट मिलेगी। ये हमारी ऑडियो आउट है जो कि हमारी एम्पलीफायर बोर्ड को जाएगी। और दोस्तों बेस्ट क्वालिटी है एलकॉन के, देखिए ये हमारे ड्यूल लगे हुए हैं, एलकॉन कंपनी के ड्यूल हैं और बेस्ट क्वालिटी के सारे कैपेसिटर और सारे कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हुए हैं। दोस्तों इसमें हमें तीन फ्रीक्वेंसी मिलती हैं। पहली फ्रीक्वेंसी हमारी ये है बेस एडजस्ट करने की, यहाँ से हम बेस एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारी मिड की फ्रीक्वेंसी है। मिड की फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, जैसे कि हमारे पुराने क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा बेस की ज़रूरत नहीं होती है, हमें थोड़ी सी मिड की जो क्वालिटी होती है वो हम नॉर्मल प्री एम्पलीफायर बोर्डों में मिसिंग होती है। तो इसके लिए हम यहाँ से मिड की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं जिससे हमें क्लासिकल सॉन्ग सुनने में बहुत ही अच्छी वॉइस सुनाई देगी। दोस्तों यहाँ से हम अपने हाई फ्रीक्वेंसी को यानी कि ट्रेबल को एडजस्ट कर सकते हैं और ये हमारा दोस्तों टोटल वॉल्यूम होता है, यहाँ से हम अपनी ऑडियो की फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा स्टीरियो प्री एम्पलीफायर बोर्ड है। अगर किसी भी भाई को ये बोर्ड चाहिए तो दोस्तों आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये हमारा प्री एम्पलीफायर बोर्ड है दोस्तों, जो हमारे एम्पलीफायर कैबिनेट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए।